इंस्टाग्राम अकाउंट बनाकर अगर आप भी फेमस होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा और उस पर एक अकाउंट अपना बनाना होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया हूँ और उसके बाद यहाँ से हम इसको ओपन कर लेंगे। अगर आपके फ़ोन में भी आपका फेसबुक अकाउंट बना हुआ है तो आपके सामने कुछ इसी प्रकार से ओपन हो जाएगा। अगर आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को फेसबुक से लिंक करना चाहते हैं या फेसबुक के थ्रू बनाना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके आप यहां से इसको बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप फेसबुक से ना बनाकर आप ईमेल आईडी से या मोबाइल नंबर से बनाना चाहते हैं तो आपको नीचे यहां पर एक ऑप्शन मिल जाएगा क्रिएट न्यू अकाउंट का, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। तो यहाँ पर आप अपने मोबाइल नंबर को डालकर आगे बढ़ सकते हैं, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट आपके मोबाइल नंबर से बन जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं हम ईमेल आईडी के थ्रू बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा साइन अप विद ईमेल एड्रेस। तो फिलहाल मैं अभी ईमेल आईडी से बनाकर आपको दिखाऊंगा, तो आपको नीचे वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपका ईमेल आईडी पूछेगा, तो फटाफट से आप ईमेल आईडी को अपने यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। ईमेल आईडी को फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल आईडी पर 6 डिजिट का एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा, आपको उस कोड को लाकर यहाँ पर लिख देना है। ओटीपी को फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पर नाम पूछा जाएगा, आपका जो भी नाम हो यहाँ पर आप अपने नाम को लगा दीजिए। तो नाम लिखने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको अपने पासवर्ड को बना लेना है जो कि आपका 6 डिजिट के ऊपर होना चाहिए। उसके बाद आपको पासवर्ड लिखने के बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए एक सेटिंग बहुत जरूरी करना होता है। अगर आप इसको नॉट नाउ कर देते हैं तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है आपको बाद में लॉगिन करने के टाइम पे। तो आपको यहाँ पर ये सेटिंग क्या होती है मैं बता दूंगा। अगर आप यहाँ से नॉट नाउ भी कर देते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद इस सेटिंग को वहाँ से भी कर सकते हैं। फिलहाल अभी मैं सेव के ऊपर क्लिक कर दे रहा हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपका डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, तो यहाँ से आप अपने डेट ऑफ बर्थ को फिल कर दीजिएगा। मैं एक रेंडम सा डेट ऑफ बर्थ लिख के आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए आपका यूजर नेम जो है यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप ईमेल आईडी से बना रहे हैं तो आपका यूजर नेम ऑटोमेटिकली यहां पर ले लेगा कुछ इस प्रकार से, और अगर आप मोबाइल नंबर से बनाएंगे तो आपके नाम से रिलेटेड आपको यहां पर शो हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमारा जो यूजर नेम है वो और थोड़ा सा शॉर्ट हो या और थोड़ा सा इफ़ेक्टिव हो तो आप यहां से उसको एडिट करके चेक कर सकते हैं कि आपका जो ये यूजर नेम है वो अवेलेबल है कि नहीं है। जैसे आप इसको काटेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अगर आप इसमें से कोई सा भी लेना चाहते हैं तो आप यहां से इसके ऊपर सेलेक्ट करके उसको ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं नहीं कोई और हमको चाहिए तो आप उसको रेंडमली टाइप करके ले सकते हैं। फिलहाल मैं इसी को ले रहा हूं। उसके बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहां से कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होगी, तो आपको इसको एक्सेप्ट करके आई एग्री के ऊपर क्लिक कर देना है। आई एग्री पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पर देख लीजिए आपका प्रोफाइल पिक्चर पूछा जाएगा। अगर आप अपने प्रोफाइल पिक्चर को अपने मोबाइल में सेव किए हैं तो आप यहां से इसके ऊपर क्लिक करके यहां पर देख लीजिए चूज फ्रॉम गैलरी या टेक फोटो। गैलरी में सेव है तो आप इसके ऊपर क्लिक करके गैलरी से ले सकते हैं, नहीं तो यहां पर टेक फोटो के ऊपर क्लिक करके कैमरे से भी खींच सकते हैं। फिलहाल मैं गैलरी से कोई एक रेंडम सा फोटो ले रहा हूँ। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कई सारे फोटो आ जाएंगे, तो मैं यही एक फोटो ले रहा हूँ। आपको डन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, तो यहाँ से आप स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ से देख लीजिए फॉलो फ्रेंड करके ऑप्शन आ रहा है। अगर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में और सारे फ्रेंड जो हैं आपके इंस्टाग्राम से जुड़े हुए हैं तो आप यहाँ पर फॉलो फ्रेंड के ऊपर क्लिक करके वहां से आप उनको फॉलो कर सकते हैं। बाद में आपके कॉन्टैक्ट से आपके फ्रेंड को सजेस्ट कर देगा, आप वहां से भी उसको फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको स्किप कर दे रहा हूं, तो आपको स्किप के ऊपर क्लिक कर देना है। यहां पर देख लीजिए अकाउंट प्राइवेसी का ऑप्शन है जो कि आपको यहाँ पर प्राइवेट में अभी रखना है। उसके बाद आप
आगे जाकर उसको पब्लिश कर दीजिएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी इसको पब्लिश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आपको नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख लीजिए, जो बहुत सारे इंस्टाग्राम के बड़े बड़े क्रिएटर हैं, यहाँ पर उनका जो है प्रोफाइल आ जाएगा। आप चाहें तो यहाँ से उनको फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ एरो के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। जब आप एरो के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने आपका इंस्टाग्राम अकाउंट बनकर रेडी हो जाएगा।